नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद अमीन, आप देख रहे हैं जिले का सबसे लोकप्रिय चैनल डीटी न्यूज। आइए देखते इस वक्त की खास खबर। आगामी दिनों में आयोजित होने वाले विभिन्न धार्मिक त्योहारों एवं सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या मामले के फैसले को लेकर पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसी संदर्भ में जुन्नारदे थाना प्रांगण में SDM SDOP की उपस्थिति में बैठक लेकर शहर में आपसी सौहार्द बनाने की बात कही गई है। तो वहीं किसी भी प्रकार की अभद्र टिप्पणी व अशांति फैलाने वाले पर पुलिसिया कार्रवाई की जाएगी। देखिए खास रिपोर्ट। हम आपको शहर से अनुमति दे देंगे कुछ शर्तों के साथ, है ना। तो हमें कोई आपत्ति नहीं रहेगी आपके आयोजन में, कहीं भी कोई आपत्ति नहीं, पर वो आयोजन इस तरह से होना चाहिए कि आपका व्यक्तिगत हो, ना कि किसी समुदाय या किसी व्यक्ति विशेष पे आक्षेप करें। 8 तारीख को एकादशी का व्रत है, 10 तारीख को ईद मिलाद नबी है और 12 तारीख को गुरु नानक जयंती। इसमें अपने अयोध्या का निर्णय होने वाला है, तो जो भी है उसमें जो निर्णय आता सबको मैंने मान्य करते हुए शांति से वो करना है। CC कैमरे चौराहे पे जहाँ लगाना है तो देख लेते, हम चर्चा करके व्यापारियों भाइयों से उनसे चर्चा करके CC कैमरे लगवाएंगे। 144 लागू हो गई जिले में। 144 में यही है कि जिले में समस्त राजस्व सीमा कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक नारे न लगाएगा, ना ही धारदार हथियार अस्त्र गोला बारूद को लेकर चलेगा या प्रदर्शन करेगा। DJ के उपयोग पे भी पूर्णतः पाबंदी लगाई गई है। सोशल मीडिया द्वारा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम धार्मिक भावनाओं वाले मैसेज पोस्ट नहीं करेगा, ना आपत्तिजनक पोस्टर का प्रदर्शन करेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे लोग भी जुड़े हैं, आप लोग को पता नहीं चल रहा होगा, कहीं ना कहीं से हम लोग जोड़ा गया ऊपर से जो निर्देश मिले हैं। तो कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप में गलत मैसेज डालेगा तो वो क्लियर हो जाएगा किसने डाला है। तो खासकर ये ध्यान रखना कि हम लोग के भी कोई ना कोई व्यक्ति उसमें जुड़ा है, आप भले उसका एडमिन कोई भी हो मगर जुड़ा है, ज्यादातर जुड़े हुए हैं। नहीं, वो फिर एडमिन जवाबदार रहेगा भाई। हाँ, उसमें ध्यान रखना है इतना सा। वो अगर कहीं भी कोई आएगा तो हम एडमिन को सबसे पहले पकड़ेंगे कि भाई ये व्यक्ति कौन, बताओ आप। जिले की सीमा में किसी भी संगठन द्वारा कोई धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली का आयोजन जिला प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। कुछ भी करना है तो SDM साहब से पहले अनुमति ली जाएगी, जिसमें अनुमति देंगे जो भी है उसी आधार पर कार्रवाई करेंगे। जिले की सीमा में किसी स्थान पर अवैध जमाव, भीड़ एकत्र करना सब जगह प्रतिबंधित है। जिले के मकान मालिक जिनके द्वारा अपना मकान किराने दुकानें पे दी गई, उनके किराएदार की सूचना थाने में लगातार ID प्रूफ और वो भिजवाते रहेंगे। सभी होटल तो जिनकी है, जो होटल मालिक है उनके खिलाफ किसी को बगैर उसके रोक लेते हैं या किसी, तो 188 की कार्रवाई होगी। उसमें 188 के तहत FIR होगी, 144 का उल्लंघन करने में 188 के तहत FIR होगी। तो ये भी ध्यान रखेंगे कोई भी प्रॉपर जो दुकानदार है जिनको, आगामी अयोध्या मामले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसले को लेकर आज जुन्नारदेव थाने में बैठक का आयोजन किया गया, क्या निर्देश दिए गए सर? इसमें ये था, माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा 144 धारा हमारे पूरे जिले भर की सीमाओं में लगा दी गई है, वह जुन्नारदेव अनुभाग पर भी लागू है। उसके जो भी प्रतिबंध हैं, चाहे वो होटल में बाहर के लोगों का आवागमन हो या धार्मिक प्लेसों की निगरानी हो या सशर्त जुलूस की अनुमति देना हो, ये सभी जो है वह आदेश के अंतर्गत है, जिसमें अभी आगामी त्योहारों के मद्देनज़र भी हमने ये निर्देश जारी किए हैं कि जो भी आयोजन होगा उसमें प्रशासन की अनुमति ज़रूर ली जाए और एक जगह पर लोग एकत्रित ना रहें और शांतिपूर्वक अपनी जो भी कार्रवाई है वो संचालित करते रहें। सर, सोशल मीडिया को लेकर कोई टीम गठित की है? सोशल मीडिया पर टीम तो गठित नहीं है, लेकिन ये हमारे जो 144 के आदेश है उस पर उसके द्वारा लागू किया गया है, जिसमें हम जो प्रशासन है समस्त जवाबदारी एडमिन की तय करेगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी जानकारी सोशल मीडिया से स्प्रेड होती है, फैलती है कि जो कि समाज पर प्रभाव डालती है नकारात्मक, तो हम कार्रवाई करेंगे और सोशल मीडिया को स्वयं अपनी जवाबदारी उसमें समझना होगा, अपनी जवाबदारियों को तय करते हुए वह स्वयं प्रचारित करें
कि इस तरह के मैसेज इस मीडिया ग्रुप पर ना डालें कि जो किसी धर्म या जाति वर्ग के भावनाओं के खिलाफ हों। सर, धारा 144 के तहत शस्त्र लाइसेंसों पर कोई प्रतिबंधित की जाएगा? अभी ऐसा कोई तो नहीं आया है शस्त्र लाइसेंस प्रतिबंधित करने पर ये है प्रतिबंध कि वो है खुले में नहीं घूम सकता उसको ले जाकर। जी, खुले में कोई भी धारदार हथियार या शस्त्र लेकर कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान अभी नहीं जा सकता। ठीक सर, थैंक यू सर।